अगर आप फरुखाबाद की सड़कों पर निकल रहे हैं तो जरा संभल कर चले। इन दिनों टप्पेबाजों का गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। शहर में कहीं बाइकर्स गैंग तो कहीं सवारी बनकर बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल फरुखाबाद में दिन दहाड़े बाइक सवार दो बदमाश कार से 30 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए हैं। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यहाँ पे ड्राइवर के साथ आए थे, गाड़ी बैंक से आरटीजीएस करना था, कुछ पैसा रजिस्ट्री कराने के लिए जा रहे थे। तो पता चला ड्राइवर को, हमने कह दिया कि ये पेमेंट है, रुपया है, आराम से इजी को ड्राइवर केवल माल था। और हम लोग अंदर चले गए, अंदर जाकर हमने आरटीजीएस किया, करीब 30 मिनट हम वहाँ रुके। 30 मिनट के बाद में हमने देखा, जब वापस आए तो देखा हमने कि वो यहाँ हमने बैग इन्होंने बताया ना कि बैग तो यहीं रखा था, पर तो बैग तो है ही नहीं। तो हमने बैग नहीं, तुम्हें जिम्मेदारी दे गए थे, गाड़ी लॉक करके दे गए थे, तुमने कहा गाड़ी खोली गए थे। तो ये इस तरीके से घटना घटी, तब ये पुलिस देखा गया तो ये पता चला। कितना रुपया था उस बैग? 30 लाख। हाँ, पार्टी का पैसा था जिसके बहनावा करना था। फुटेज मिला आपको? फुटेज में क्या दिखाई दे रहा है? फुटेज में दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति है, यहाँ पर खड़ा है और खड़े होकर के वो 2-3 बार 10-5 मिनट में करता रहा और उसने अपना अंगोछा डाला, अंगोछा डाल के पैसे निकाल ले गए पीछे। और ये ड्राइवर कहा गया कि गाड़ी का टायर पंचर है, लेकिन पंचर नहीं था और पैसे से डाल के लालच में करके और पैसा निकाल लिया। तो 30 लाख की टप्पेबाजी कर ली थी। बता दें कि बीते दिनों फरुखाबाद शहर में एक कारोबारी अपनी कार के अंदर रुपयों से भरे बैग को ड्राइवर के पास छोड़कर बैंक चला गया। तभी निगरानी कर रहे एक लड़के ने ड्राइवर को अपनी बातों में उलझा लिया। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर दूसरा लड़का रुपयों से भरा बैग लेकर चलते बना। बैग में 30 लाख रुपयों की रकम रखी हुई थी। पीड़ित कारोबारी ने बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया है, जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। रामशरण जी हैं, रामशरण पाल जी, ये कहीं जा रहे थे, तो जैसा इन्होंने बताया है कि ये रजिस्ट्री वगैरह के कराने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर ये इनको बैंक में कुछ काम था तो गाड़ी अपनी खड़ी की है और वहाँ पे ड्राइवर जो है गाड़ी में था और ये बैंक के अंदर चले गए। गाड़ी यहाँ इनकी काफ़ी देर तक खड़ी रही है, लगभग 45 मिनट के आसपास खड़ी रही है। और उसी दौरान ये जैसा इन्होंने बताया कि उसी दौरान इनके गाड़ी से बैग गायब हो गया। जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने से ऐसा पाया जा रहा है कि टप्पेबाजी की घटना हुई है। एक व्यक्ति गाड़ी के पास कुछ इनसे बात किया, इसके बाद ड्राइवर निकल के बाहर गए हैं और इसी दौरान एक व्यक्ति इनकी गाड़ी से कुछ सामान निकाल के चला गया है। तो इस मामले की हम जांच कर रहे हैं, फुटेज वगैरह देखा जा रहा है, हम पता लगाएंगे इस मामले में कौन सही रहा है। अभी हम दिन दहाड़े बाजार में हुई चोरी की घटना से व्यापारियों में दहशत फैल गई है। सरकार के तमाम कोशिश करने के बावजूद भी अपराध कम होने के बजाय उल्टा बढ़ते ही जा रहा है। आखिर कब तक शहर में लूट डकैती की घटनाएं घटती रहेंगी? पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।